अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खैर वाफियत से रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ अपनी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग शेयर करूंगी। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो मार्केट्स वगैरह क्लोज थी, तो मैंने कुछ गर्मियों के कपड़े मंगवा लिए थे, कुछ लॉन के, कुछ लेलन टाइप के। ये लेलन का है, गुल अहमद का विस्कोस लेलन। ये सिर्फ शर्ट पीस है, ये इस तरह से है कुछ इसकी कमीज का प्रिंट। ये फ्रंट है इसका, ये नीचे वाले बाजू है वाइट पट्टी के नीचे, और बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है ना, लेलन टाइप का है। ये इसका बैक है, तो ये भी सेल में थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने मंगवा ली। और ये है जी लाइम लाइट की शर्ट, शर्ट पीस है ये। गुल अहमद की जो शर्ट थी ना, वो मुझे 8 समथिंग की सेल में मिली है, वो 1500 की थी, तो 850 या कुछ इस तरह से। और ये लाइम लाइट की 990 की थी, सेल में मुझे आई थिंक 790 की मिली, 200 ऑफ था इस पर। और ये भी बहुत प्यारा स्टफ़ है और प्रिंट भी बहुत प्यारा। ये इसका फ्रंट है, ये नेकलाइन का ये पोर्शन है, और ये इसकी बैक है। बैक का भी बहुत प्यारा प्रिंट है, और ये इसके बाजू का पोर्शन है जो ग्रीन वाला, ये बाजू का कपड़ा है, और जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये इसकी डिज़ाइनिंग का है, कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा है, मतलब गले पे अगर कुछ बना लें। और ये था निशात से मैंने मंगवाया था सेल में, ये भी ये ऑफ वाइट टाइप का है कलर का, ट्राउज़र का कपड़ा था, सिंपल लूज फैब्रिक में जो होता है ना, मैंने वो मंगवाया था। निशात की भी लॉन का कपड़ा बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ लॉन होती है, तो ये मुझे चाहिए था इस कलर में, तो मैंने मंगवा लिया था। तो ये ना बाय चांस इस लाइमलाइट की शर्ट के साथ मैच हो गया था, मैंने इसको इसलिए इसी के पैकेट में रख दिया था, एक्यूरेट मैचिंग हो गई थी बिल्कुल। इसका स्टफ भी बहुत अच्छा था, ये देखिए, ये इसके ना लाइमलाइट वाली शर्ट के साथ मैचिंग हो रही थी, मैंने इसलिए इसको रख दिया। ये भी निशात का है, ये 2 पीस में है, शर्ट और दुपट्टा। इसका ना दुपट्टा कॉटन नेट में था और शर्ट लॉन में है, अच्छा स्टफ है दुपट्टे का भी, मतलब सर पे टिकने वाला है, और शर्ट का भी बहुत अच्छा स्टफ है। निशात की ये बात है कि इनकी लॉन की क्वालिटी बहुत आला होती है, बहुत कमाल की। ये है दुपट्टे का फुल व्यू, मैंने फोल्ड करके रखा हुआ था क्योंकि नीचे से बेडशीट का कपड़ा नज़र आ रहा था, ताकि सही समझ आ जाए। ये इस तरह से है, बहुत प्यारा प्रिंट है दुपट्टे का भी, और ये शर्ट का प्रिंट है, सिंपल फ्लोरल प्रिंट है, और ये नीचे वाइट पट्टी है। मैं सोच रही थी इसका ना वो बना लूँगी, अंगरखा स्टाइल होता है आई थिंक, हाँ जी इसको अंगरखा ही कहते हैं, तो वो पट्टी उस पर लगा के ना सामने फ्रंट पे आ जाएगी, या जिस तरह डबल शर्ट वगैरह होती है उस तरह अच्छा लगेगा। और ये भी जे डॉट का है, ये भी बहुत प्यारा प्रिंट है, और इसका कलर भी बहुत प्यारा था, ब्लू मेरा वैसे भी फेवरेट कलर है। ये इसका जो वाइट पट्टी बीच में आ रही है, इसके राइट पे इसके बाजू हैं,
लेफ्ट फेस का फ्रंट दामन है, मतलब बाजू और फ्रंट दामन मैंने खोल के बिछाया हुआ है। ये नीचे बॉर्डर है इसका, बॉर्डर भी बहुत प्यारा है। लेफ्ट साइड पे इसकी फ्रंट शर्ट का फ्रंट है और ये राइट साइड पे बाजू का। बहुत अच्छा इसका कलर है और कलर कॉम्बिनेशन भी और प्रिंट वगैरह भी। ये इसकी बैक साइड है, ये फुल बैक का प्रिंट है। इसमें ये जो साइड पे स्ट्रिप्स नज़र आ रही है ना, ये डिज़ाइनिंग के लिए हैं, ब्लू वाली भी रेड वाली भी, मतलब पाइपिंग वगैरह के लिए, और ये तीन जो बॉर्डर अलग से नज़र आ रहे हैं। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा बहुत प्यारा है, कलरफुल सा दुपट्टा है। इसका प्रिंट और कलर स्कीम बहुत खूबसूरत है। मुझे तो इसका दुपट्टा शर्ट से ज़्यादा अच्छा लगा है। ये इसका ट्राउज़र का कपड़ा है, सिंपल प्लेन ब्लू में है, नेवी ब्लू टाइप का। और ये है जी गुल अहमद की लॉन की शर्ट, शर्ट पीस है सिंपल। ये मैंने अम्मी के लिए मंगवाया था, चूंकि इसका कपड़ा 3 मीटर में था, वैसे तो 1.75 मीटर देते हैं ना, मतलब 1.25 मीटर, तो इसका 3 मीटर था। इसमें फ्रॉक वगैरह अगर बनवाना हो ना गर्ल्स के लिए, तो वो भी बहुत अच्छे से बन जाता है। तो ये देखें, ये इसका नीचे बॉर्डर है ब्लू कलर का, सॉरी येलो कलर का, और बाकी इसका वो फ्लोरल प्रिंट है। ओवरऑल अच्छा सोबर सा कलर है इसका, और इसकी भी लॉन बहुत अच्छी है, गुल अहमद की भी। और ये है जी मेरा बैग, हैंड बैग, तो ये मैंने मंगवा लिया था अपने लिए ऑनलाइन। अदरवाइज़ बैग चूज़ करना मेरे लिए बहुत मसला होता है। मुझे ना बैग अव्वल तो पसंद नहीं आता, पसंद आए तो मैं उसमें पॉकेट चेक करती हूँ कि बाहर भी एक छोटा पॉकेट हो जिसमें मोबाइल बंदा इजीली डाल ले निकाल ले, और ये अंदर दो कम से कम हो, क्योंकि एक ही जो होता है ना पूरा खाना एक ही उसका बैग का, वो बिल्कुल थैला नुमा लगता है, उसमें सब कुछ खिचड़ी बन जाती है। अगर मेकअप हो या मोबाइल वगैरह उसमें रखा हो, कीज़ घर की रखी हो, तो वो कुछ मिलता ही नहीं है जब चाहिए हो। तो मैं कोशिश मेरी होती है ये दो जिप वाले जो खाने जिसमें बने होते हैं ना वो हों, और इनके अंदर भी छोटी पॉकेट हो जिसमें जिप लगी भी हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बैग ज़्यादा पॉकेट वाला मुझे पसंद आए, तो मिलना मुश्किल होता है। तो बड़ी मुश्किल से मुझे ये पसंद आ गया, काफ़ी अरसे से मैं सर्च कर रही थी तो मुझे नहीं पसंद आ रहा था कोई। क्वालिटी भी इसकी अच्छी है ओवरऑल, और ये 4350 का था गुलामत पे, लेकिन मैंने सेल में मंगवाया है तो ये मुझे मिला आई थिंक 2100 2150 का, या इस तरह से कुछ मिला था हाफ 50। ये जे डॉट का लिप कलर मैंने ऑर्डर किया था, लिप ग्लॉस टाइप का जो होता है ना, ये 12 नंबर है इसका,
और ये भी बहुत अच्छा, शेड भी इसका अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी, मतलब नाम भी इसका लॉन्ग लास्टिंग था और रियल में भी ये है भी लॉन्ग लास्टिंग है। ये देखें, ये इस तरह का कुछ कलर है, शॉकिंग पिंक टाइप का। और ये मुझे स्कार्फ चाहिए था समर के लिए ना, मुझे पॉलिएस्टर टाइप का जिनमें होता है ना कपड़ा, वो नहीं यूज़ हो सकते हैं समर में, विंटर के लिए अच्छे लगते हैं, तो मुझे समर में चाहिए था, समर के लिए, तो मैंने लाइमलाइट से ऑर्डर किया था। और ये भी बहुत आउट क्लास, इसकी क्वालिटी इतना सॉफ्ट है, इतना लाइट वेट है, कमाल का इसका कपड़ा है, मुझे बहुत पसंद आया इसका कपड़ा, इसका प्रिंट, इसका कलर, ईच एंड एवरीथिंग बहुत खूबसूरत। ये मुझे 690 में मिला है सेल में, 890 का था आई थिंक, तो मुझे 690 में मिला, 200 ऑफ था इस पे। ये ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बाहर मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था, तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। ये मेरे घर के बैक साइड पे ना ये ब्लैक वाले शहतूत लगे हुए हैं, पता नहीं वीडियो में सही नज़र आ रहे हैं कि नहीं, मैं पिक भी ऐड कर दूंगी। आज 17th रोज़ा है और 4 बजे का टाइम है और मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।